हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने ऑन पेज के अगले टास्क के बारे में। जैसे कि स्क्रीन पे आप ऑन पेज का सिलेबस देख पा रहे होंगे। तो गाइस, ऑन पेज के सिलेबस में अब लास्ट की कुछ तीन चार वीडियोज ही तीन चार टास्क बाकी रह गए हैं। बाकी सारी वीडियोज कवर हो चुकी हैं। आप चैनल्स पे वीडियोज अपलोड हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे, पिछली वीडियोज में हमने 24th नंबर तक कस्टम 404 एरर पेज, इस टास्क तक पूरे पिछले टास्क जो है वो करके देख लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे 25th, 26th एंड 27th, 28th, चार टास्क जो है वो एक साथ देख लेंगे। कुछ बड़े टास्क नहीं है, ये जो मेन मेन टास्क थे वो पीछे हो चुके हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये होते गए हैं। तो इसके बाद आता है 25th पे फैब आइकन। तो जैसे ही SEO के लिए आपके पास वेबसाइट आती है, ये जो भी मैंने आपके सामने शीट खोल करके रखी है, ऑन पेज का सिर्फ यही एक्टिविटीज़ होती हैं, यही आपको चेक करना होता है एंड यही रिपोर्ट आप बना के आपको क्लाइंट को भेजनी होती है कि ये चीज़ें आपकी वेबसाइट में नहीं है, ये ठीक करनी पड़ेंगी, या तो आप हमसे ठीक करवा लो या अपने डेवलपर से ठीक करवा लो। तो उसके होता है कुछ जो डेवलपमेंट इशू होते हैं वो उनको वेब डेवलपर ही ठीक करता है, वो SEO वाला बंदा ठीक नहीं करता है। तो ये चीज़ें आपको उनको शो करनी होती हैं कि ये हमने आपकी वेबसाइट में सही करना है। तो इसीलिए आज का अगला टास्क है 25th पे फैब आइकन। फैब आइकन आपको चेक करना है। फैब आइकन कई लोगों को पता नहीं होगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फैब आइकन होता क्या है, जैसे अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। जैसे कोई भी वेबसाइट आपने खोली, एक तो वेबसाइट ये खुली हुई है एंड कोई भी एक वेबसाइट में और खोल लेता हूँ। एक वेबसाइट मैंने ये खोल ली, अब देखिए होता क्या है। दोनों वेबसाइट में आप देख पा रहे होंगे, एक वेबसाइट ये, एक ये। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, मेरे यहाँ पे कर्सर है, वहां पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोई भी लोगो नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही लोगो है। और इस वाली वेबसाइट पे यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ है, जैसे ये खोला मैंने तो यहाँ पे एक छोटा सा आइकन लगा हुआ है जो यहाँ पे इस वेबसाइट की प्रेजेंस को शो कर रहा है। यहाँ पे एक लोगो लगा है और यहाँ पे नहीं लगा है। अब जैसे ये बाकी टैब्स मैंने खोल के रखी हैं, जैसे ये मैंने वेबसाइट खोली है आई वेब चेक, तो इसका भी अपना एक लोगो है। जहाँ कर्सर पे के पास देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप ऑरेंज का एक लोगो देख पा रहे होंगे आप ऑरेंज कलर में। तो ये लोगो जो है इसको बोलते हैं फैब आइकन। तो ये फैब आइकन की इम्पोर्टेंस क्या है कि ये एक तो आपकी वेबसाइट की एक आइडेंटिटी बन जाती है कि यूज़र अगर आपकी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट हो रहा है तो उसको अगर वो बुकमार्क करता है, जैसे मैंने बाकी वेबसाइट को पिन करके रखा हुआ है, तो उसको पता रहता है कि इस लोगों से वो आपकी वेबसाइट को रिकगनाइज कर लेगा कि हाँ ये वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट है जो मैंने खोल के रखी है। अब जिस जैसे इस वेबसाइट का कोई लोगो ही नहीं है यहाँ पे कुछ, तो इसका पता नहीं लग रहा है कि ये इस वेबसाइट का लोगो क्या है, इसकी इतनी अपीयरेंस जो है वो अच्छी नहीं हो रही है। तो SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक पॉइंट है कि आपकी वेबसाइट में फैब आइकन होना चाहिए। ऐसे तो आप यहीं से देख के पता लगा सकते हो कि फैब आइकन है या नहीं है। दूसरा, आई वेब चेक वेबसाइट में यहाँ पे डालोगे URL और एनालाइज कर दोगे तो यहाँ पे नीचे भी आपको ये बता देगा कि आपकी वेबसाइट में फैब आइकन नहीं है। जैसे यहाँ पे सर्च करते ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मिसिंग नो हाई रेजोल्यूशन आइकन फाउंड, एपल टच आइकन नॉट फाउंड। ये नीचे लिखा हुआ द फैब आइकन इज ए स्मॉल आइकन एसोसिएटेड विद द वेबसाइट, द फैब आइकन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज डिस्प्लेड नेक्स्ट टू द वेबसाइट URL इन द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउजर एज वेल एज इन बुक मार्क एंड शॉर्टकट। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर आप वेबसाइट को बुक मार्क करते हो, बुक मार्क कैसे करते हो, जैसे ये वेबसाइट है इसके ऊपर कर्सर ले जाके राइट क्लिक करोगे और यहाँ से कर दोगे पिन। तो अब ये इतना सा बन गया है छोटा सा, जैसे ये वेबसाइट लंबी लंबी टैब्स में खुली हुई है, अब ये पिन हो गया, तो इसको बुक मार्क करना करते हैं। अब यहाँ से अब जैसे मैं इस वेबसाइट को भी कर लेता हूँ, इसको भी मैंने कर लिया, जिसका आइकन नहीं है उसको भी मैंने कर लिया पिन। तो अब देखिए बुक मार्क करने के बाद यहाँ पे इस वेबसाइट का आपको लोगो याद रहेगा कि हाँ ये इस वेबसाइट का लोगो, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये जो पिन किया है ये वाली वेबसाइट है। अब इसका नहीं है, अब इसका आपको कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि ये कौन सी वेबसाइट है, ये आपको खोल के ही देखनी पड़ेगी। अब इसका फैब आइकन नहीं है, तो फैब आइकन का सिर्फ इतना सा रोल है कि यहाँ पे जो है वो लोगो लग जाता है छोटा सा जब भी आपकी वेबसाइट ओपन होती है, तो
यहाँ से आपको पता लग जाता है कि कौन सी वेबसाइट क्या है। तो ये फेव आइकन होना वेबसाइट में ज़रूरी है, अगर है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो क्लाइंट को सजेस्ट कीजिए कि इस इशू को रिजॉल्व कराइए, फेव आइकन लगाइए। ये तो इतनी सी बात होगी। अब अगला टास्क है ब्रोकन लिंक्स। इस वीडियो में आपको मैं तीन चार टास्क साथ में ही बता दूंगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे टास्क हैं ये। ब्रोकन लिंक्स, वेबसाइट के ब्रोकन लिंक्स आपको चेक करने होते हैं। ब्रोकन लिंक्स जो हैं वो वेबसाइट के यूज़र एक्सपीरियंस को ख़राब करते हैं। जैसे आपकी वेबसाइट में कई आप किसी बंदे ने आपकी वेबसाइट को खोला, वेबसाइट पे किसी हर वर्ड के ऊपर मतलब हाइपर लिंक लगे होते हैं, लगाए होते हैं वेबसाइट के ऊपर। अगर वो हाइपर लिंक वर्किंग है फिर तो सही है, अगर वो हाइपर लिंक वर्किंग नहीं है, किसी बंदे ने किसी लिंक के ऊपर क्लिक किया और वो लिंक नहीं खुल रहा है, नहीं चल रहा है, तो वो यूज़र एक्सपीरियंस को ख़राब करते हैं और SEO पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सही नहीं है। तो आपको कैसे चेक करना है कि किस वेबसाइट में कितने हाइप कितने वेब ब्रोकन लिंक है, तो उनको सही करना होता है। तो सिंपली करना क्या है, साइट लाइनर वेबसाइट मैंने आपको पहले भी बताई थी, ब्रोकन लिंक चेक करने के लिए वेबसाइट है। यहाँ पे आप डालोगे वेबसाइट का URL, मैं किसी भी वेबसाइट का रैंडमली डाल रहा हूँ, जिस वेबसाइट का आपको चेक करना है उसका URL यहाँ पे डालोगे और गो पे क्लिक करोगे। थोड़ी देर में यहाँ पे आपको बता देगा कि इस वेबसाइट में कितने ब्रोकन लिंक हैं और कितने ब्रोकन जैसे कि स्कैन हो रहा है अभी। अब देखिए यहाँ साइड में, देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ब्रोकन लिंक्स, ये थर्ड नंबर पे लास्ट पे देखिए आप ब्रोकन लिंक्स। अभी यहाँ पे ये बताएगा कि कितने ब्रोकन लिंक्स हैं, तो ब्रोकन लिंक्स पे क्लिक किया मैंने। अब इस वेबसाइट में कोई भी ब्रोकन लिंक नहीं है, यहाँ पे देखिए कोई भी ब्रोकन लिंक नहीं है। अगर यहाँ पे ब्रोकन लिंक होता तो यहाँ पे उसका लिखा होता है कि इतने ब्रोकन लिंक है। चलिए मैं आपको किसी और वेबसाइट का बता देता हूँ जिस पे ब्रोकन लिंक हो, तो एटलीस्ट आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से ये बताता है। तो कोई और रैंडम वेबसाइट उठाते हैं और चेक करते हैं यहाँ पे, जिस भी वेबसाइट वेबसाइट का चेक करना है सिंपली URL डाला और सर्च कर लिया, उसके बाद ये स्कैन करके थोड़ी देर स्कैन करेगा, उसके बाद ये आपको बता देगा। अब देखिए यहाँ पे इस वेबसाइट का यहाँ पे शो हो रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, इस वेबसाइट पे सिर्फ ब्रोकन लिंक ही चेक नहीं कर सकते आप, डुप्लीकेट कंटेंट भी बता रहा है ये। जैसे ये डुप्लीकेट कंटेंट है 6%, इस वेबसाइट पे 6% जो है वो डुप्लीकेट कंटेंट है। चलो ये छोड़िए, ब्रोकन लिंक्स की बात करते हैं। जैसे ब्रोकन लिंक्स पे क्लिक किया तो ये बता रहा है कि 11 ब्रोकन लिंक है। अब 11 ब्रोकन लिंक है तो ये साथ में ये भी बताता है कि किस पेज पे हैं। अब इसने ये सारा निकाल दिया कि ये ब्रोकन लिंक्स है इसके, तो आपको वहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना होता है और वेबसाइट का और वेबसाइट ओनर को बताना होता है कि आपकी वेबसाइट में ये ब्रोकन लिंक है, इनको रिजॉल्व कीजिए, ये सही करने पड़ेंगे। तो ये एक वेबसाइट में इशू होता है, अगर ब्रोकन लिंक्स नहीं है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, अगर ब्रोकन लिंक्स हैं तो फिर तो ये आपको सही करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे शीट में लिखिए कि हमने चेक कर लिया और नो ब्रोकन लिंक्स फाउंड, या फिर जितने लिंक्स फाउंड हुए, जैसे 10 लिंक्स फाउंड हुए तो 10 ब्रोकन लिंक्स फाउंड। तो इस तरह से अगला आ जाता है हमारा 27th नंबर पे, डोमेन एज। डोमेन एज का क्या होता है गाइस, अगर नई वेबसाइट है कोई तो नया डोमेन उसका रजिस्टर हुआ होगा, तो नए डोमेन को चेक सॉरी रैंक करवाने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है, उसको रैंक करवाने में 2 3 4 महीने लग जाते हैं। अब वो होता क्या है कि अगर वेबसाइट किसी ने आपको प्रोजेक्ट दिया, आपकी कंपनी के पास प्रोजेक्ट आया या फिर आपके पास कहीं से प्रोजेक्ट आया, अगर नया नया डोमेन उसका रजिस्टर हुआ है तो आपको क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि आपका डोमेन नया है और उसको रैंक करवाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब कई कीवर्ड ऐसे होते हैं उनको रैंक करवाने में 1 6 महीने या साल भी लग जाता है। अब नया डोमेन होगा तो उस पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा उस पर एक काम करना पड़ेगा। अब देखिए चेक कैसे करना है आपको, सिंपली मैंने वेबसाइट आपको बताई थी आई वेब चेक, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ चेक करने के लिए। यहाँ पे URL डाला और एनालाइज कर दिया, एनालाइज करने के बाद नीचे आपको बताएगा ये डोमेन की कितनी एज है, कि डोमेन कितना पुराना है। यहाँ से आप देखिए, ये देखिए डोमेन ये है डोमेन एज, यहाँ पे लिखा हो कि योर डोमेन वाज रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम 11 ईयर 1 मंथ 8 डेज, कि 11 साल पहले का ये डोमेन जो है वो रजिस्टर है। तो ये डोमेन तो सही है, जितनी ज़्यादा डोमेन की एज होगी उतना वो
उस पे रैंक करवाने के लिए वो सही रहता है। एज ऑफ द नीचे लिखा हुआ है जैसे, एज ऑफ द डोमेन इज वन ऑफ द मैनी सिग्नल दैट सर्च इंजन यूटिलाइज फॉर रैंकिंग। ब्रांड न्यू डोमेन जनरली हैव मोर डिफिकल्ट टाइम टू रैंक हाई फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ। जैसे लिखा है कि ब्रांड न्यू डोमेन को रैंक करवाने के लिए थोड़ी काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, फ्यू मंथ्स उसको थोड़े टाइम लग जाता है रैंक करवाने में। एंड अगर पुराना डोमेन है तो वो थोड़ा रैंक करवाने में इजी होता है। ये सिर्फ इतना सा काम है आपको चेक करना होता है ताकि आप क्लाइंट को बता सको कि आपका अगर नया डोमेन है तो उसको पे हमें थोड़ा टाइम लगेगा उसको रैंक करवाने में, उसके कीवर्ड्स को रैंक करवाने में। इसके बाद देख लीजिए 28th नंबर पे, सोशल मीडिया आइकन्स ऑन वेबसाइट। अब सोशल मीडिया आइकन तो आप वेबसाइट को चेक कैसे चेक करने हैं, जैसे खोलिए वेबसाइट, सोशल मीडिया आइकन या तो वेबसाइट के देखिए इस पे लगे हुए हैं, ये नीचे देखिए ट्विटर का है, फेसबुक लिंक है, इंस्टाग्राम है, तो ये लिंक है सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी मेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके लिंक हमारी वेबसाइट पे लगे हुए होने चाहिए। अब ये क्यों लगे हुए होने चाहिए कि आज कल के टाइम में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को अपने बारे में बता सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट में ये लिंक लगे हुए हैं तो कोई भी यूज़र अगर आपकी वेबसाइट को खोलता है तो उस पर क्लिक करके वो देख लेगा आपकी वेबसाइट की जो भी नई, अगर आप जैसे मान लो उसने फेसबुक के लिंक को ओपन किया है और आपके फेसबुक पेज पे वो आ गया तो आपकी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, आपका जो भी लेटेस्ट प्रोडक्ट होगा डिस्क्रिप्शन उसकी आपने फेसबुक पे अपडेट की होगी तो उससे वो आपकी उसका यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता है आपकी वेबसाइट पे। वो यूज़र को भी आपकी वेबसाइट पे लाने के लिए सोशल मीडिया आइकन जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काफ़ी हेल्प करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपने चेक करना है, कई वेबसाइट में लिंक नहीं लगे हुए होते हैं तो आपको क्लाइंट को सजेस्ट करना होता है कि अपनी वेबसाइट पे अपने सोशल मीडिया के लिंक्स लगाइए, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट हो गया या टम्बलर हो गया, ये सभी सोशल मीडिया जो है वो आइकन लगे हुए होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हर वेबसाइट पे यहीं पे मैंने आपको बताया तो यहीं पे लगे होंगे, कई वेबसाइट में हो सकता है यहाँ ऊपर लगे हुए हो या फिर कॉन्टैक्ट अस में भी लगे हुए होते हैं, तो ये आपको चेक करना होता है। और अगर आपको ऐसे चेक नहीं करना है तो दोबारा आई वेब चेक वेबसाइट पे गए, यहाँ पे सबसे ऊपर ये सोशल मीडिया का भी बताएगा, ये देखिए यहाँ पे इसने बताया है सोशल मीडिया इंडिकेट एक्सीलेंट, योर सोशल मीडिया प्रेजेंस इज स्ट्रॉन्ग। अब एक और बात मैं आपको बता दूँ कि सोशल मीडिया के अकाउंट का ऐसा नहीं है कि आपने सोशल मीडिया लिंक लगा दिया और वो काफ़ी है। सोशल मीडिया अकाउंट का जैसे फेसबुक, टम्बलर जो भी आपने लगाया उस पर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, आपको रेगुलर उस पर पोस्ट करना होता है। ऐसा नहीं कि आज पोस्ट किया और 2 साल तक उस पर कोई पोस्ट ही नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, हाई लेवल ऑफ सोशल एक्टिविटी इंक्रीज डोमेन अथॉरिटी। हाई लेवल सोशल एक्टिविटी, अगर आपकी सोशल एक्टिविटीज ज़्यादा है तो वो आपकी डोमेन अथॉरिटी को भी हाई रैंक लाने में मदद करता है। हेल्प सर्च इंजन टू फाइंड इंडेक्स न्यू कंटेंट एंड रियल टाइम प्रोवाइड इंडिकेटर फॉर कंटेंट अथेंटिसिटी एंड रीडर्स एंगेजमेंट। तो सोशल मीडिया आइकन आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए, मतलब आप समझ गए होंगे कि यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र को आप अगर आपको अपनी वेबसाइट पे लाना है तो सोशल मीडिया सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म है आजकल की डेट में। तो सोशल मीडिया अकाउंट मेनली जैसे फेसबुक हो गया, पिंटरेस्ट, टम्बलर, ट्विटर हो गया, ये मेन जो है वो लगे हुए होने चाहिए। तो सिंपली अगर लगे हैं तो फिर तो ठीक है, अगर लगे हैं तो आपको चेक करना है कि उस पर एक्टिविटीज़ हैं या नहीं है। अगर उस पर पोस्ट ही बहुत पुरानी हुई है तो आपको क्लाइंट को सजेस्ट करना है कि इस पर रेगुलर पोस्ट कीजिए ताकि आपकी वेबसाइट के लिए, एसईओ के लिए वो सही रहे। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ इतना देख लिया, अगली वीडियो में हम देखेंगे एसईओ फ्रेंडली यूआरएल टेस्ट एंड फिर आ जाता है वेबसाइट सजेशन। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, अगली 2 वीडियोज़ में हम ऑन पेज का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।